देखा है, नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर बट एज एन एक्टर. पहले से कैलेंडर, मतलब यू कैन ओनली थिंक ऑफ हिम, यू नो, एंड ही वाज सच अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. एंड 66 इज नो एज टू गो, बहुत छोटी उम्र है 66. आई एम श्योर उनको बहुत कुछ करना बाकी था लाइफ. इट्स वेरी सैड. 66 सिर्फ इतना कुछ करना बाकी था, इतना कुछ कर सकता था, इतना कुछ किया है उन्होंने. वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी वेरी अनएक्सपेक्टेड डेथ. ऐसे नहीं जाना चाहिए था सतीश को, बट क्या करें, उनकी फैमिली को हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि दिल भी स्ट्रांग और उनको ये फेस करने की हिम्मत मिले. सही सर. अभी कुछ क्या कह सकती हूँ इसके बारे में, बस यही कहती हूँ कि बाकी सब कलाकारों से यही विनती है कि सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह के स्ट्रेस में आजकल हम लोग जी रहे हैं, या जो भी खाना पीना हमें मिल रहा है, जो भी हमारी सेहत पे उसका असर पड़ रहा है, मतलब मैं तो अपना दुख बयान इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी दो दिन पहले होली के दिन मैं उनसे मिली थी और हम एक ही लिफ्ट में इतने साथ रहे इतने लंबे टाइम तक, जब तक वो अपने घर पहुँचे और मैं भी वहाँ तक पहुँची, तो हमारे बीच रास्ते में बातचीत भी हुई उनके साथ. और यकीन ही नहीं हुआ सुबह जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी दो दिन पहले एक आदमी था, एक आदमी हमारा अपना हमारे बीच था, और आज पता नहीं, ये तो ऊपर वाले का खेल है, इसके आगे हम कुछ बोल नहीं सकते. बट डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि सतीश जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉमेडी जो आज हम देखने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो माइलस्टोन, जिन्हें कहना चाहिए कि जिन्होंने आधार रखा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कॉमेडी को लेके, उसमें से सतीश जी एक सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने बहुत खूबसूरत फिल्में हमें दी हैं, बहुत सुंदर काम उनका हमने देखा है, उनसे हमने सीखा है कि टाइमिंग किसको कहते हैं. और आज वो नहीं है और मैं चाहूँगी कि भगवान उनको जल्दी हमारे पास वापस भेजे, किसी और रूप में भेजे. और क्या कह सकते हैं, बहुत दुख है. वेरी सैड, वेरी सैड. एक देखिए, होली में वो जिस तरह से खेल रहे थे होली को, क्या होता है एज के साथ, शायद अभी हम तो जानते नहीं कैसे हुआ, लेकिन ये एक हार्ट अटैक अभी हमारे इंडस्ट्री में कुछ इस तरह शुरू हुआ है. इंडस्ट्री में क्या, हिंदुस्तान में, वर्ल्ड का तो हम जानते नहीं इतना सारा, पर अभी अभी जिस तरह से आर्टिस्ट जाते हैं, यंगस्टर भी जाते हैं हार्ट अटैक में, बहुत तकलीफ होती है. लेकिन अब वो तो ईश्वर के हाथ की बात है, बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं सतीश जी की आत्मा को शांति मिले. एक उनको हमेशा कैलेंडर नहीं, एक अच्छा व्यक्ति भी बहुत याद किया जाए, कि बहुत अच्छा नेचर था उनका, बहुत अच्छा नेचर. वेरी वेरी सैड. वो ना मॉर्निंग जब मैं शूट पे जा रही थी मुझे पता चला, एंड आई वर्क विथ हिम, आई हैव डन फिल्म विथ हिम एंड हीज लाइक अ फैमिली. इट्स वेरी शॉकिंग, यू नो, आई कैन जस्ट से कि इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज ही वॉज अ फैंटास्टिक एक्टर, फैंटास्टिक ह्यूमन बींग, फैंटास्टिक डायरेक्टर, फैंटास्टिक प्रोड्यूसर. गॉड ब्लेस हिम, मे ही सोल रेस्ट इन पीस, एंड आई कैन से गिव स्ट्रेंथ टू हिज फैमिली, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. मुझे बेहद बेहद दुख हुआ है ये खबर सुनकर, क्योंकि मैंने सतीश जी के साथ काम किया है, मैं उन्हें पर्सनली भी अच्छी तरह जानती थी, और एक बहुत कनेक्ट ऐसा था कि जब भी हम मिलते थे ऐसे लगता था कि उनका एक टिपिकल वे था, यू नो, जिस तरीके से हम बात करते थे. आई डोंट नो, आई जस्ट फील दैट इट्स एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली सैड टू लूज समवन लाइक हिम. वो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारी हैप्पी फैमिली है, उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं, और इतना कहना चाहूँगी कि वो हमारे यादों में, हमारे जहन में हमेशा हमेशा रहेंगे. भगवान उनकी फैमिली को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे कि हम इस लॉस को किसी तरह से सह सकें. बट इट्स इट्स अ ग्रेट लॉस.